आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ एक न्यू वीडियो लेकर के। ये आपके फीडबैक और आपके कमेंट के बेसिस पे वीडियो है। सो जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि हम सैमसंग फ़ोन से कि अपने गैलरी को सैमसंग टीवी में इस्तेमाल कर पाते हैं, जहाँ पे अपने फ़ोन का पिक्चर्स हो या फिर वीडियो मैं सैमसंग टीवी पे तो देख सकता हूँ। अगर मेरे पास सैमसंग के फ़ोन है तो देख सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास नॉन सैमसंग फ़ोन है लाइक वीवो हो, ओप्पो हो या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, रियलमी हो गया, आईफोन हो गया, फिर हम कैसे देखेंगे या फिर हम उसके वीडियोज़ को, फ़ोटोज़ को टीवी में कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसी के ऊपर मैं आज आपको वीडियो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करनी है। आपको सैमसंग टीवी में आपको यहाँ पे आपको गैलरी एप्लीकेशंस तो आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आप सैमसंग फ़ोन के लिए स्पेशल दिया गया है, जहाँ पे आप सैमसंग फ़ोन से आप गैलरी को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है वो आपको सिर्फ सैमसंग के फ़ोन में ही देखने को मिलती है। बाकी के नॉन सैमसंग फ़ोन में लाइक वीवो, ओप्पो, एम आई, रियलमी वगैरह में नहीं मिलती है। फिर आप लोग कैसे करेंगे, तो आपके लिए मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फ़ोन पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। सो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, कोई भी ब्रांड के हों, तो यहाँ पे आपको जानी है और सर्च करना है वन ड्राइव। देख सकते हैं यहाँ पे वन ड्राइव आ गया। यहाँ देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो है ये वन ड्राइव एप्लीकेशन है। इसे आपको क्या करनी है, डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद, तो मैं यहाँ पहले से ही मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, ये देख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करनी है, इसे ओपन करना है। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट होनी चाहिए। सो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए जिसके हेल्प से आप कर पाएंगे। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सो मैं जाता हूँ, जैसे साइन इन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे अकाउंट जो है मैं साइन इन करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास पहले से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट है तो यहाँ पे साइन इन पे जाएं, और अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट नहीं है तो अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, इसका वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसको मैं लिंक में मैं दे दूँगा। यहाँ पे मैं अपना आईडी और पासवर्ड दे करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना आईडी और पासवर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद मैं साइन इन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे क्या करें, उसको हमने कर दिया टर्न ऑन कैमरा। सो यहाँ पे अगर आप फोटोज़ जो है आपका फ़ोन का जो भी फोटोज़ या वीडियो इसे अपलोड करेंगे यहाँ पे, सो ये वन ड्राइव लाइक है गूगल ड्राइव की तरह जो माइक्रोसॉफ्ट का है, इसे हम ऑन कर लेते हैं ताकि आप यहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हो आप अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट फ़ोटोज़ हमने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे आपका आ चुका है, यहाँ पे साइन इन हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है होम, यहाँ पे आपके पास फाइल्स है, यहाँ पे शेयर है, फोटोज़ है। तो यहाँ पे जो भी आप फ़ोटोज़ वगैरह यूज़ करना चाहें वो सभी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फाइल्स पे जाते हैं और जो भी फ़ोटोज़ यहाँ पे आप अपलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। सो लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ। अभी मैं भी इसे फ़ोटो को क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देख सकते हैं ये। और मैं वापस से इस ऐप के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर देख पाएंगे आपका, हम जाएँगे प्लस के ऊपर और यहाँ पर हम जाएँगे अपलोड के ऊपर। सो अपलोड में यहाँ पे जानिए फ़ोटोज़ एंड वीडियोस जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर रिसेंट पे हम जाएंगे और रिसेंट वाला हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं डन करता हूँ। ये देख सकते हैं आप अपलोडिंग यहाँ पे दिखा रहा फाइल, ये देख सकते हैं ये जो दो है वो डन हो चुका है। सो दोनों जो है अपलोड यहाँ पे देख सकते हैं अभी का है, ये हमने अभी जो फ़ोटो क्लिक किया वो यहाँ पे आपका क्या हो गया, वो आ चुका है, ये अपलोड हो चुका है। तो अभी जो है ये फ़ोन का जो था वो काम ख़त्म हो गया। इस प्रकार आप अपने जो भी फ़ोन है आपके पास उस फ़ोन पे क्या करेंगे, इसे आप इस्तेमाल करेंगे, आप अपने फ़ोटोज़ या फिर आप वीडियोज़ जो है उसे आप अपलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट जो अभी क्या करनी है, आपको जानी है टीवी के ऊपर। सो टीवी पे जानी है और आपको जानी है यहाँ पे देख पाएंगे सभी सैमसंग के जितने भी स्मार्ट टीवीज़ है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है रिमोट एक्सेस या फिर रिमोट पीसी आपको देखने को मिलेगी। आपको जाना है यहाँ पे
और यहाँ पे जाने के बाद आपको जानी है ऑफिस 365 के ऊपर। ऑफिस 365 पर जाने के बाद आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पे अपना सेम जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है उस अकाउंट से आपको यहाँ पे लॉगिन करनी है। तो हमारा यहाँ पे जो अकाउंट है जो मैंने दिया यहाँ पे, वो सेम अकाउंट जो है मैं उससे लॉगिन कर ले रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ देख सकते हैं आपका जो है ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है आपका यहाँ पे आ चुका है। अभी हम अपना जो फ़ोटोज़ है उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो फ़ोटोज़ एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रही है साइड में। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वन ड्राइव, इस वन ड्राइव के ऊपर जाना है और यहाँ पे देख पाएंगे जो भी मैंने फ़ोटोज़ यहाँ पे शेयर किया। आप देख सकते हैं ये फ़ोटोज़ जो है यहाँ पे आपका आ चुका है, जो अभी सेम मैंने फ़ोटो अपलोड किया था। ये फ़ोटो देख सकते हैं 2 मिनट्स अगो, एंड यहाँ पे भी दिखा रहा है 2 मिनट्स अगो जो मैंने यहाँ पे अभी अपलोड किया था अपने फ़ोन से, वो हमें यहाँ पे अब टीवी के ऊपर मैं देख सकता हूँ। तो देख सकते हैं वो फ़ोटो जो है यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार क्या कर पाएंगे, आप इसे अपने फ़ोन से टीवी पे शेयर कर पाएंगे। आपके पास कोई भी फ़ोन हो, किसी भी ब्रांड का फ़ोन हो, आप यहाँ पे इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे आपका जो है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको 5 GB का ये स्टोरेज देता है। सो अगर आपके पास प्रीमियम वर्सन है इसका, तो इस आप 1 TB का ले सकते हैं, लेकिन ये पेड होता है, फ्री में आपको 5 GB ही मिलती है। सो 5 GB यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये अपलोड आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप अपने नॉन सैमसंग फ़ोन से आप अपनी गैलरीज के फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ को कैसे आप अपने फ़ोन से अपलोड करेंगे और सैमसंग के टीवी पे आप यूज़ करेंगे या फिर आप देखेंगे। तो यह प्रोसेस जो था काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपका जो डिमांड था, आप लोग के जो कमेंट थे वो फुलफ़िल हो गई होगी। तो देखते रहे हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Thank you.